हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे HTML और WordPress के बारे में। ये हमारी वेब डेवलपमेंट के बीच में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई मैं HTML, CSS, PHP क्यों सीखूँ, मैं WordPress के ऊपर वेबसाइट बना सकता हूँ। तो क्या WordPress पे हम वेबसाइट सारी की सारी बना सकते हैं? क्या हमको वेब डेवलपमेंट के अंदर बाकी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? बेसिकली एक कोर वेबसाइट का क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है वर्सेस एक वर्डप्रेस वेबसाइट की। देखिए, कहानी को समझने की कोशिश करो। अगर मुझे एक वेबसाइट चाहिए जो कि अच्छी दिखे, अच्छी चले, बिजनेस के लिए चाहिए, उसके अंदर मुझे कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, तो मैं उसको वर्डप्रेस के ऊपर बना सकता हूँ। अब सबसे पहले समझते हैं वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब जहाँ पे कोडिंग पहले से ही हो रखी है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वर्डप्रेस भी कोडिंग के ऊपर ही बनता है। जो हम वेबसाइट देखते हैं वर्डप्रेस की, वो भी कोडेड ही बनी होती है, पर उसके अंदर क्या है, फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ तैयार हो रखा है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड बन जाए, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड बन जाए। पर जो उन्होंने प्रीसेट्स बना रखे हैं उसी के अंदर काम कर सकते हैं। अगर मुझे बेसिक वेबसाइट बनानी है जो कि अच्छी दिखे, अच्छा काम करे, और जो जो चीज़ें चाहिए मुझे, फंक्शनैलिटी चाहिए, उसके लिए उसमें प्लगइन्स आते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं फंक्शनैलिटी के लिए। तो क्या मैं फंक्शनैलिटी के लिए वो प्लगइन अपने इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ, या फिर जो मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए वो फंक्शनैलिटी नाम का कोई प्लगइन ही नहीं है? अगली चीज़ क्या हो सकती है, मेरी वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी अगर मैं प्लगइन्स करूँगा। बस यही है वर्डप्रेस के अंदर छोटी सी ड्रॉबैक्स। कोडिंग के अंदर क्या होता है, जब हम हार्डकोर कोडिंग करते हैं तो सारा कंट्रोल अपने पास होता है, जो भी हम चाहते हैं वो बना सकते हैं। साथ के साथ अगर अच्छी कोडिंग करें तो वेबसाइट लाइट भी होती है, फास्ट भी काम करती है। यहाँ पे हमने प्लगइन्स यूज़ करे थे, यहाँ पे भी हम कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, पर वो रिलेटिवली फास्ट चलेगी। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिकली चाहिए, जो चीज़ दुनिया में आज तक नहीं बनी, तो मैं कोडिंग के अंदर कर सकता हूँ। बस यही फर्क है। अब कोडिंग के अंदर मैं एप्लीकेशंस भी बना सकता हूँ, कोडिंग के अंदर मैं चैट बॉक्स भी बना सकता हूँ, बहुत कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें बना सकता हूँ जो कि इंटरनेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। पर अगर मैं वर्डप्रेस पर अटका रह जाऊँगा तो मैं सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना सकता हूँ। वो भी किस टाइप की, मतलब जो बिजनेस की बेसिक वेबसाइट्स होती है, जो वन पेजर वेबसाइट होती है, जो फाइव पेजर वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स भी बना सकती हो, पर मैं कहूँगा अगर बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है तो वो वर्डप्रेस पर टिक नहीं पाएगा। टिकने की कोशिश करोगे तो आपको सर्वर कॉस्ट बहुत ज़्यादा मार जाएगी। तो इससे बेटर ये है, अगर आप ई कॉमर्स सोच रहे हो तो आप हार्डकोर पे जाओ। बहुत बड़ा सोच रहे हो, अगर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, कंट्रोल के अंदर है तो चलेगा। अब वर्डप्रेस का फायदा ये है भाई, वर्डप्रेस के अंदर करना सब कुछ आसान है। कोडिंग के अंदर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमको कोडिंग थोड़ी बोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती, कहीं पर फंस गए, कुछ गलती कर दी, तो कांड हो जाएगा। वर्डप्रेस के अंदर वो चांसेस नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर ऐसी थीम्स आती है जहाँ पे प्री मेड वेबसाइट्स बनी बनाई आती है, तो आप उसको यूज़ करके भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। पर यहाँ पे आपको ने को सब कुछ स्क्रैच से कोड करना पड़ेगा। हो सकता है हमने कुछ स्निपेट्स, मतलब कोड के टुकड़े बना रखे हो अपने रिसर्च से या कहीं से भी, या कहीं से चोरी कर रखे हैं, या किसी का पुराना वर्क उठा के वहाँ से हम कोड कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था आपको कि किस तरीके से आप प्री मेड टेम्पलेट्स HTML के ऊपर काम कर सकते हो, तो पर हमने किसी और का कोड उठा के उसको मॉडिफाई किया था। पर अगर हमको उसके हार्ड कोर सब कुछ चाहिए तो अपने को खुद कोडिंग करनी पड़ेगी। अगली एडवांटेज क्या है, अगर आप हार्ड कोर वेबसाइट बनाओगे तो उसमें लगेगा टाइम, टाइम लगेगा तो पैसा लगेगा। क्योंकि भाई सिंपल सी बात यह है, अगर आप मेरे से वेबसाइट बनवाने के लिए आते हो तो मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वैलरी देनी है, तो अगर उस वेबसाइट को बनाने के लिए 2-3 महीने लग रहे हैं और 4-5 बंदे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं उनकी सैलरी तो लूँगा आपसे, बेसिक सी काम ही है। पर वर्डप्रेस के अंदर अगर बंदा ढंग से काम करे तो 1-2 दिन के अंदर भी वेबसाइट डिलीवर कर सकता है। तो यहाँ पे वो जो मैं अगर किसी और से भी बनवाते हो वर्डप्रेस की वेबसाइट, तो रिलेटिवली वो कम कॉस्टिंग के अंदर बना सकता है। इसलिए मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च करे अपने कुछ वर्डप्रेस बेस्ड प्लान्स, जहाँ पे बहुत सस्ते में वेबसाइट दे रहे हैं। चेक कर सकते हो ऊपर ईमेल आईडी पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे कर लेना। वेबसाइट भी दिख रही होगी आपको ऊपर, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे नंबर होगा, वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि है सिक्योरिटी। यहाँ पे वर्डप्रेस खुद अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के ऊपर खुद काम करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे और खर्चे बढ़ सकते हो सिक्योरिटी के ऊपर। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स ही है
एक तो मेहनत इसके ऊपर, कोडिंग के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर कर रहे हो तो कम होगी टाइम, कोडिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर कम लगेगा, प्राइस कोडिंग के अंदर ज़्यादा लगेगा इसके अंदर कम लगेगा, ईज़ इसके अंदर आसानी से हो जाएगा इसके अंदर टाइम लगेगा, सिक्योरिटी चौथा पॉइंट, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर खुद सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, वर्डप्रेस अपडेट्स लाता रहता है, जैसे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपडेट्स आते हैं उस तरीके से वर्डप्रेस भी अपने अपडेट्स लाता रहता है। तो आप खुद सोचो कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे एक बेसिक वेबसाइट बनानी है तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर जाऊंगा, अगर मेरे दिमाग में कुछ स्पेसिफिक आइडिया है तो मैं हार्डकोर वेबसाइट कोडिंग की तरफ जाऊंगा, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग के ऊपर कुछ बनाना चाहते हो अपना करियर वरियर, तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वर्डप्रेस में भी काम कर रहे हो तो भी आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर भी आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे। वर्डप्रेस मैंने आपको बताया कोड से ही बनी हुई है, अगर आपको कोडिंग आ जाएगी तो आप वर्डप्रेस को भी मॉडिफाई कर पाओगे बस। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों को बताना, अपने दोस्तों में डिस्कस करना कि भाई वर्डप्रेस बेटर है या फिर क्या है, नीचे हेल्दी डिस्कशन चाहिए मेरे को, आपस में अपने अपने पॉइंट शेयर करो कि वर्डप्रेस क्यों बेटर है और हार्डकोर वेबसाइट क्यों बेटर है, अपना अपना पॉइंट, एक ही पॉइंट रखना, ये मत करना कि भाई ये अड़ जाना मतलब मेरे हिसाब से तो वर्डप्रेस बेटर है या फिर मेरे हिसाब से तो हार्डकोर वेबसाइट बढ़िया है। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।